मेरा फोन तो वाटर प्रूफ है ही ऑलरेडी भाई साहब, लेकिन खराब ना हो जाए, डर भी है। A few inches later, भाई कलर पूरा खराब हो चुका है फोन का, डिस्प्ले है अभी खराब, पता नहीं क्या, ले जाना पड़ेगा अब सर्विस सेंटर। अभी भाई साहब देख सकते हो बारिश हो रहा है, मैं बैठ चुका हूँ खाने के लिए, खाना खा लेता हूँ एंड उसके बाद दुकान चलते। कितना पैसा लगता है भाई, 52,000 का फ़ोन है, 50x52, इसका डिस्प्ले कितना महंगा होगा वो सोच कर डर लग रहा है, फिर भी जाना तो पड़ेगा, फ़ोन तो ठीक करना पड़ेगा, खाना खा लेते हो अभी। Just then, so भाई साहब बारिश हो रही है और फिर भी हम चल रहे फ़ोन ठीक करवाने के लिए दुकान पर। साइकिल आ चुका है, इसका साइकिल है, छाता लेकर फालतू में आए हम, भीगते भीगते जाएंगे। तो चलो भैया चल, भैया चलते हैं दुकान। भाई साहब बारिश पड़ रही है ना, इतना ठंड लग रहा है, और देखो चक्की वगैरह सब पहन कर जा रहे हैं भाई साहब दुकान पर, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है इसलिए हम जा रहे हैं। सासा जीन्स लगा लेते हैं, शॉर्ट वगैरह सब लगा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। चलो पहले घर कपड़ा चेंज करके आते, वहाँ से देख सकते हो छाता और के साइकिल चला रहे हैं भाई, ड्रेस चेंज कर लेते हैं फिर चलते हैं। चलो भाई ड्रेस वगैरह सब लगा कर आ चुके थे और इधर रोड पर भाई साहब फोटोग्राफ सब लेने लगे थे, ऐसे ही घटिया फ़ोन से लोग भी इसी फ़ोन के बना रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है भैया, डिस्प्ले खराब हो गया, आप जल्दी डिस्प्ले चेंज करवाने के लिए, साइकिल रेडी और छाता भी रेडी, आसमान गरज रहा है करते ही। भाई साहब बारिश खतरनाक हो रही है, चलते हैं अभी। फाइनली आ चुके हैं भाई साहब फाइनली मोबाइल की दुकान पर, चलते हैं दिखाते हैं फ़ोन को क्या सीन होता है, कितने रुपया लगता है। चलो उधर गाइस फ़ोन रख दिया था फ़ोन ठीक करवाने के लिए, कुछ देर तक रखा था, फिर बारिश वगैरह सब बहुत ज़्यादा होने लगा ना, लेकिन वो दुकान वाले ने बोला कि अभी मेरे पास इस फ़ोन का डिस्प्ले नहीं है, कुछ दिन रुको 4-5 दिन तक, और उसके बाद डिस्प्ले आ जाएगा तो फिर लगा दूंगा, फ़ोन ठीक कर दूंगा। तो अब क्या ही करें, वेट ही करना पड़ा, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा था ना, तो मैं बाकी ब्लॉग नहीं बना पाया, डायरेक्ट जब बारिश ख़त्म हुआ। भाई साहब इधर ना मस्त मस्त आप फोटो वगैरह सब भिजवा लिए, बारिश का मौसम है देख सकते हो रोड पर, और हम सब एकदम से कांप रहे भाई साहब, इतना ज़्यादा ठंडी है ना, क्या बोलूँ, बारिश हो रहा है ना, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है। फिलहाल भाई साहब चलते हैं अभी फाइनली अपने घर। भाई साहब देखो बारिश से कितना ज़्यादा कांप रहा है महीना, इसको पकड़ लिया है, इसको ज़रा सा इसके अंदर डाल देते हैं, और हाँ दे रहे भाई साहब सही। A few moments later. हीरे उड़ा लगने से। वही मैं साथ। Day three. भाई साहब अभी जो ढलान है हमारे पास आ चुका है, होते होते दिखाते चलो। भाई साहब घर आ गया, कुछ दिख नहीं रहा है, फोन का डिस्प्ले खराब है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इसलिए बस थोड़ा ही रिकॉर्ड कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, नल्ला बन रहा है अपना, सही है भाई साहब। भाई साहब आज फिर से तूफान आ गया, देखो जरा सा। ओ भाई साहब आज फिर से बारिश होगा, मौसम देख सकते हो बारिश का ही है पूरा, आज बारिश होगा फिर से, सही है। अभी तक तो मोबाइल मेरा ठीक नहीं हुआ है भाई साहब, क्या ही कर सकते हैं, शाम का टाइम है और बारिश के साथ ही उधर क्या धूल उड़ रहा है एकदम, इतना ज़्यादा तूफान आ गया, भाग रही है देख सकते हो मैं छत पर वेट कर सकते हैं, आनंद ले रहा हूँ भाई साहब, हमारा प्रोफाइल मोनेटाइज हो गया ये तूफान भाई, तूफान बकरी के ले जा रहा है, कोई देख नहीं तूफान, देख सकते हो यार क्या खतरनाक सा आया हुआ है मौसम, देखो जरा सा वो भाई साहब खतरनाक मौसम यार, ऐसे ही मौसम में तो मज़ा आता है एकदम, आप लोग लाइक कर दो जल्दी से, हाँ अभी तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा खुश है, आप लोग जल्दी से लाइक करो यार, वीडियो वगैरह सब वायरल करो जरा सा, अपना पैसा आएगा, मोनेटाइज हो चुका है फेसबुक। फिलहाल भाई साहब तूफान बहुत ज़्यादा आ गया, दादी बुला रही है, चलता हूँ, जब बारिश होगा फिर से आएंगे, फिर से फ़ोन बिगाएंगे अपना, फिर से बिगाड़ेंगे फ़ोन, बाय। भाई साहब अभी हमारा वीडियो अभी हमारे पास आ चुका है एकदम स्माइल किए जा रही है बारिश का भी मजा लेगी कतई, देख सकते हो खतरनाक सा बारिश लगा हुआ है,
हम तो भाई साहब नहाएंगे ना, ये नहीं नहाएगी बस इस साइड से सही आएगा, हम नहाएंगे, ये खेलेगी एकदम तूफान में सब खुश होते भाई साहब। भाई साहब देख सकते हो नल्ला उल्ला का सब काम हो चुका है, अब ऊपर से ढलाना है, उधर भी बाकी है, उधर बने या फिर ना बने हमारे जगह में बन चुका है। सही है भाई साहब, बारिश हो रही है देख सकते हो, पूरा पड़ी है भैया। हाँ देख सकते हो बिटिया रानी, भाई साहब भीग रही है, ला जाए घर में। चलो भाई साहब हम भी चलते हैं फाइनली अभी अपने घर। अरे रे रे भाई साहब छत पर चलकर नहाते हैं और भिगाते हैं और अपना फोन बिगाड़ते हैं और लेडी ग्राउंड है फिलहाल, चलो अपने घर चलते। भाई साहब पीछे देखो बैकग्राउंड में बारिश का क्या मौसम होकर रखा है, और हम ऐसे बारिश के मौसम में जा रहे जरा सा घूमने के लिए खेतों में कहते हैं। चलो लाइक करो आप लोग और हम चलते भाई साहब। सुगा भाई हम आ चुके हैं इधर पूल के पास फोटो वगैरह सब खिंचाने के लिए, खेत में नहीं गए क्योंकि बारिश का मौसम भाई सब गीला होता है, इनकी कपड़ा वगैरह सब खराब हो जाएगा। इधर पूल पर आए हुए हैं एकदम मस्त मस्त टकाटक फोटो वगैरह सब खिंचा रहे टिकटॉक के लिए, तो फोटो खिंचा लेते हैं। सो गाइस इधर देख सकते हो हम बाजार जा रहे हैं और इसलिए साइकिल में हवा नहीं है, ये अभी हवा भरे जा रहे हैं और बार बार पंप गिरा रहे हैं। लाल भाई साहब अभी चलते हैं, भाई साहब बाजार आए थे अभी चना ले लिए और चना खाते खाते जा रहे फिर से हम घर। 346 मिनट्स लेटर The next morning. भाई साहब डे फाइव, पाँच दिन रुक लिया देख सकते हो ड्रेस वगैरह सब, पाँच दिन रुक लिया दुकान पे से, अभी जस्ट आया हुआ हूँ लेकिन अभी हरामी बोल रहा है कि डिस्प्ले ला ही नहीं सका इंडिया से, तो जनकपुरी जाना पड़ेगा मेन सिटी में, और इधर से जनकपुर 12 से 14 किलोमीटर, अब उधर जाने का अलग पैसा लगेगा और पैसा है नहीं भाई साहब, देखते क्या करते हैं। अभी भाई साहब मायूसी के साथ घर आ चुके हैं, अब तो जनकपुर ही जाना पड़ेगा मेन सिटी, हालत ख़राब करते हैं। फ़ोन कब ठीक होगा समझ नहीं आ रहा है, फ़ोन ख़राब हुए से अच्छा 8-9 दिन हो चुका है, देखते अभी पैसा का जुगाड़ करते हैं और फिर चलते हैं कल शायद से जनकपुर। यार फोन तो ठीक करने गया लेकिन पोको X3 से रिकॉर्ड किया था, पोको X3 भी पूरा फॉर्मेट हो गया, उसमें से सब ब्लॉग डिलीट हो गया, इसलिए कहाँ गए कौन से दुकान पर गए सब कुछ दिखा ही नहीं पाए, बस फोन डायरेक्ट ठीक हो गया फिर ही देखो। सो भाई साहब फाइनली फोन तो ठीक हो चुका है देख सकते हो, इसी फोन से ब्लॉग कर रहे हैं, अब पहले से कैमरा आ रहा है फिर नहीं आ रहा है पता नहीं भाई साहब, कमेंट में आप लोग भी बताना। फाइनली फ़ोन तो ठीक हो चुका है भाई साहब, पूरे 5,000 का नुकसान हो गया, इतना ज़्यादा पैसा का प्रॉब्लम था, दूसरे से पैसा उधार लेकर भाई साहब आया फ़ोन ठीक करवाने के लिए आध घंटा भाई साहब ये ऑलरेडी पहले से कंगाल है भाई साहब। जरा सा घूमते उमते यार अभी ये सब छोड़ो, फाइनली फोन तो ठीक हो चुका है और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक यार आप लोग लाइक कर देना जरूर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड क्या चलो सब्सक्राइब तो कर ही लिए ना और लाइक तो कर ही देंगे इस वाले वीडियो को, तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, जब तक ले सब लोग यार बोलते रहो जय श्री राम।